हेलो एवरीवन माय नेम इज शफाली एंड आई वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर एनवायरमेंटल साइंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में जिसको हम जीपीएस कहते हैं आप सबके पास स्मार्टफोन होंगे तो कभी ना कभी आपने जीपीएस का यूज़ भी किया होगा टू ट्रैक योर पाथ और टू फाइंड आउट योर करंट लोकेशन जी वर्क कैसे करता है यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि नव स्टार जी क्या होता है जीपीएस का ओरिजिनल नाम नव स्टार जी है एंड नव स्टार की फुल फॉर्म है नेविगेशन सिस्टम विद टाइम एंड रेंजिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जी कहते हैं फुल फॉर्म नव स्टार की आपको याद रखनी है नव स्टार जी पी एस इज डेवलप्ड बाई यूएस एंड इज ऑपरेटेड बाई यू एस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इट इज़ द ओनली फुली ऑपरेशनल ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम विच इज़ अवेलेबल टू सिवीलियंस एंड इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पेंटागॉन पेंटागॉन इज द हेड क्वार्टर बिल्डिंग ऑफ यू एस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जी पी एस इज द ओनली सिस्टम टू डे विच इज़ एबल टू शो यू यूर एग्जैक्ट पोजिशन ऑन अर्थ एनी टाइम एंड एनी वेयर जी पी एस ऐसा सिस्टम है जिसकी हेल्प से आप अर्थ पर कहीं भी हों किसी भी टाइम पर अपनी लोकेशन को अपनी लोकेशन के बारे में पता कर सकते हैं इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉन्स्टीलेन ऑफ मिनिमम ट्वेंटी फोर सेटेलाइट अराउंड द अर्थ ट्वेंटी जो ट्वेंटी फोर सेटेलाइट्स हैं वो ऑपरेशनल है और प्लस थ्री सैटेलाइट्स वो स्पेयर हैं ताकि जब कोई सैटेलाइट खराब हो जाए वर्क ना करे तो जो ये थ्री स्पेयर सैटेलाइट्स हैं उनमें से किसी को यूज किया जा सके यहाँ पर रेडियो वर्ल्ड यूज़ हुआ है क्योंकि रेडियो सिग्नल्स यूज होते हैं और नेविगेशन का मतलब होता है टू फाइंड अ पाथ और फाइंड द लोकेशन कॉन्स्टिशन इज अ नेटवर्क ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वर्किंग टुगेदर एज अ सिस्टम जिसमें छः ऑर्बिटल प्लेन होते हैं और 24 सैटेलाइट्स अपने अपने ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं दी सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड एट द हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी थाउजेंड वन एटी किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ और हर सेटेलाइट डेली अर्थ के दो कम्प्लीट रोटेशन करती है यानी ट्वेल्व आर्स में अर्थ का एक राउंड कंप्लीट करती है हर एक सेटेलाइट इस फिगर में देखिए ये दिखाया गया है कि जीपीएस कॉन्सिलेशन जिसमें छ ऑर्बिटल प्लेन्स हैं और इन छर्बिटल प्लेन्स में टोटल ट्वेंटी फोर सेटेलाइट है यानि की हर प्लेन में चार सेटेलाइट रिवॉल्व करती है ये ऑर्बिट्स अर्थ से 55 डिग्री के इंक्लिनेशन पर होते हैं यानी कि टिल्ट होते हैं 55 डिग्री पर और हर सैटेलाइट अर्थ के दो चक्कर लगाती है एक दिन में अब हिस्ट्री देख लेते हैं कि कब से जीपीएस की स्टार्टिंग हुई जीपीएस का आइडिया 1960 में शुरू हुआ विद द सपोर्ट ऑफ यूएस एयरफोर्स उसके बाद 1973 में यूएस मिलिट्री को यह काम सौंप दिया गया तो जी पी एस प्रोजेक्ट बिगेन इन नाइनटीन बाय थ्री बाई यू एस डी ओ डी यानी कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस 1973 में नवस्टार स्टार को डेवलप किया गया और 1978 में इस ऑपरेशन के अंडर फर्स्ट फोर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था 1993 में लास्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई थी दैट इज ट्वेंटी फोर्थ सैटेलाइट फॉर इनिशियल ऑपरेशन एंड 1994 में से अब तक जो जीपीएस फुली ऑपरेशनल है सही तरीके से काम कर रहा है जीपीएस का यूज़ शुरुआत में यूएस मिलिट्री के द्वारा किया जाता था 1983 से सिविलियन मींस यानी कि पब्लिक के लिए जीपीएस को अलाउ कर दिया गया था विच वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट जीपीएस के द्वारा जीपीएस का पहला ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता है जीएनएस जीएनएसएस यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सैटेलाइट्स का एक ऐसा नेटवर्क है जो कोडेड इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है जिसकी हेल्प से अर्थ पर किसी किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जी एन एस एस इज द स्टैंडर्ड जेनरिक टर्म फॉर सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन एंड अमंग करंटली यूज जी एन एस एस द जी पी एस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स इज बेस्ट नोन एंड फुली फंक्शनल सिस्टम यूएस बेस्ड जी पी एस को बेस्ट समझा जाता है जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में फंक्शनल है नाउ वट आर द फंक्शन सेगमेंट्स ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तीन सेगमेंट्स होते हैं जी पी एस के स्पेस सेगमेंट कंट्रोल सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट स्पेस सेगमेंट में सेटेलाइट्स इंक्लूड होती हैं कंट्रोल सेगमेंट अर्थ पर स्टेशन बनाए गए हैं जो सेटेलाइट्स को कंट्रोल या फिर ट्रैक करते हैं और लास्ट में आता है यूजर सेगमेंट कोई भी पर्सन जिसको अपनी लोकेशन फाइंड आउट करनी है जो जी पी एस सिग्नल का यूज करता है यूजर सेगमेंट में मिलिट्री एंड सिविलियन सिविलियन यूज दोनों इंक्लूड होते हैं फिगर में तीनों सेगमेंट्स आप देख सकते हैं स्पेस सेगमेंट्स और ग्राउंड पर कंट्रोल सेगमेंट्स एंड यूजर सेगमेंट्स जो जीपीएस रिसीवर की हेल्प से पोजीशन लोकेट करने में हेल्प मिलती है तो वन बाय वन हम इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट हम करेंगे स्पेस सेगमेंट के बारे में जिसमें सैटेलाइट्स इंक्लूड होती हैं स्पेस में एटलीस्ट ट्वेंटी फोर प्रेजेंट होती हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ जी पी एस इनमें से जो ट्वेंटी फोर सेटेलाइट्स हैं इनमें से ट्वेंटी वन एक्टिव हैं और थ्री जो सेटेलाइट्स हैं उनको एज अ स्पेयर पार्ट यूज किया जाता है एज ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी सेवेंटी फोर जी पी एस सेटेलाइट्स लॉन्च की जा चुकी हैं जिनमें से थर्टी वन आर ऑपरेशनल एंड नाइन आर रिजर्व एंड जो थर्टी सैटेलाइट्स हैं वो रिटायर्ड हो चुकी हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो खराब हो चुके हैं बट कॉन्स्टेलेशन के लिए ट्वेंटी फोर ऑपरेशनल सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं और इनकी हाइट क्या होती है इन सैटेलाइट्स की अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर एल्टीट्यूड फ्रॉम आर सरफेस एंड द स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स इज फोर्टीन पॉइंट फाइव जीरो जीरो किलोमीटर पर आर यहाँ पर आप किलोमीटर पर आर कर लो ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया है द आर सेटेलाइट इन देर ऑर्बिट सो दैट अ जी पी एस रिसीवर एट एनी टाइम एनी वेयर ऑन अर्थ कैन ऑलवेज रिसीव सिग्नल फ्रॉम एटलीस्ट फोर सैटेलाइट सेटेलाइट को उनके ऑर्बिट्स में ऐसे अरेंज किया जाता है कि अर्थ पर किसी भी टाइम कोई जीपीएस रिसीवर एट लीस्ट तीन से चार सेटेलाइट से सिग्नल रिसीव कर सके

GPS satellites broadcast the information related to date, time and position of रिलेटेड टू डेट टाइम एंड पोजिशन that is longitude, latitude, एंड altitude टू the GPS रिसीवर अब देखते हैं कि एटॉमिक लॉक्स क्या होती है इस सैटेलाइट कंटेन्स थ्री हाई प्रिजन एटॉमिक लॉक्स ऑन बोर्ड यानी कि हर सैटेलाइट में तीन

Control segment having one master control station, which is located at Colorado, five ground monitor stations, and four ground antennas or upload stations. Five monitor stations monitor GPS satellite signals and then send that information to master control station, where corrections are made in the data and sent back to the GPS satellite through ground antennas. यानी कि ये देखिए यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है कि पहले सैटेलाइट से जो सिग्नल है वो मॉनिटर स्टेशन पर रिसीव किए जाते हैं फिर मॉनिटर स्टेशन से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको मास्टर ये देखिए पहले सैटेलाइट से मॉनिटर स्टेशन की साइड फिर मॉनिटर मोनीटर स्टेशन से मास्टर स्टेशन पर इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है मास्टर स्टेशन जो है वहाँ पर जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं यानी कि जैसे कि कोई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गई है किसी सैटेलाइट का पार्ट ठीक नहीं है तो इस टाइप की जो एब है वो यहाँ पर करेक्ट की जाती है यानी कि डेटा में करेक्शन की जाती है और वापस फिर मास्टर कंट्रोल स्टेशन से उस इंफॉर्मेशन को सैटेलाइट सैटेलाइट पर भेज दिया जाता है थ्रू ग्राउंड एंटीनास और फिर उसके बाद जो जी रिसीवर है यहाँ सेटेलाइट्स ने जो रिसीव किए हैं सिग्नल करेक्शन करने के बाद तो जो रिसीवर होता है जीपीएस रिसीवर तब उस सिग्नल को यूज करता है फंक्शंस दिखाए गए हैं यहां पर कंट्रोल सेगमेंट के फर्स्ट इज टू ट्रैक द जीपीएस सैटेलाइट पोजीशन क्या है सैटेलाइट्स की उसके बारे में अपडेट करना कैलिब्रेट एंड सिंक्रोनाइज करना एटॉमिक क्लॉक्स को इस फिगर में देखिए कि जो मास्टर कंट्रोल स्टेशन है वो है कोलोराडो में यूएस स्पेस कमांड एंड जो मोनिटर स्टेशन है कितने मोनिटर स्टेशन बताए हैं फाइव मोनिटर स्टेशन ये देखिए हवाई में है ये डिफरेंट लोकेशन है ये आप नोट कर सकते हैं इस फिगर से और ग्राउंड एंटीनाज नेक्स्ट आ जाता है यूजर सेगमेंट इट कंसिस्ट ऑफ यूजर एंड हिज जीपीएस रिसीवर यूजर्स में इंक्लूड होते हैं बोटर्स पायलट्स हंटर्स मिलिट्री सिविलियंस या फिर कोई भी जो जानना चाहता है कि किसी टाइम पर उसकी लोकेशन क्या है द यूजर सेगमेंट कंप्राइज ऑफ एनी वन यूजिंग अ जी पी एस रिसीवर टू रिसीव द जी पी एस सिग्नल एंड डिटरमाइन देयर पोजिशन और टाइम अब जी पी एस जो रिसीवर होता है उसमें एंटीना लगा होता है जो सैटेलाइट से ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग सेट किया जाता है हाईली स्टेबल क्लॉक जिसको क्रिस्टल ओसीलेटर कहते हैं वो लगी होती है जी रिसीवर में रिसीवर में एक डिस्प्ले भी आपने देखा होगा जिस पर हम लोकेशन के बारे में डाटा रिसीव कर सकते हैं जो रिसीवर होता है रिसीवर इज डिस्क्राइब बाय नंबर ऑफ चैनल्स नंबर ऑफ चैनल्स का मतलब है यानी कि कितनी सैटेलाइट्स के सिग्नल्स को रिसीवर एक साथ प्रोसेस कर सकता है जो स्टार्टिंग में इसकी रेंज बनाई गई थी इसको लिमिट कर दिया गया था कि चार से पाँच जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं कोई रिसीवर उसी पे ऑपरेट कर सकता है बट एज ऑफ 2007, रिसीवर्स हैव बिटवीन 12 टू 20 चैनल्स टिपिकल एप्लीकेशंस विद इन द यूजर सेगमेंट्स आर ये एप्लीकेशंस बताई गई हैं कि नेविगेशन में हम अप्लाई कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को व्हीकल लोकेशन के लिए सर मराइन नेविगेशन एंड फॉर एरियल नेविगेशन सेटेलाइट से जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वो देख लेते हैं कि किस टाइप के जो सिग्नल है, हैं वो सैटेलाइट ट्रांसमिट करती हैं ई सैटेलाइट ट्रांसमिट रेडियो सिग्नल्स ये जो सिग्नल्स होते हैं वो लो पावर रेडियो सिग्नल्स होते हैं जिसको हम L1, L2, L3 इस सीरीज में डिनोट करते हैं ऑल सैटेलाइट्स ब्रॉडकास्ट एड वन फाइव सेवन पॉइंट फोर टू एंड वन टू 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 सॉरी वन 227.60 मेगाहर्ट्ज यानी जीपीएस एल1 जिसकी फ्रीक्वेंसी 1575.42 मेगाहर्ट्ज होती है और जो L2 L2 फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1227.60 मेगाहर्ट्ज इसको रिसीव करता है जीपीएस जो जीपीएस रिसीवर होता है इस फ्रीक्वेंसी रेंज में सिग्नल्स को रिसीव करता है एल वन फ्रिक्वेंसी दैट इज एल वन सिग्नल इज अवेलेबल टू सिविलियंस एंड एल्टो सिग्नल इज यूज फॉर मिलिट्री परपजेज ये सिग्नल्स क्लाउड्स ग्लास प्लास्टिक और प्लास्टिक को पास कर सकते हैं बट बिल्डिंग्स और माउंटेन्स ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको ट्रांसमिट नहीं कर पाते ई सिग्नल कंटेन्स टू सुडो रैंडम कोड और एन आई डी कोड दैट आइडेंटिफाइज विद सेटेलाइट इज ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन ई सैटेलाइट ई सिग्नल हैज़ टू सिडो रैंडम कोड दैट इज़ एक यूनिक आईडी होती है हर सिग्नल की जिससे पता चलता है कि कौन से सैटेलाइट से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं ये दो टाइप के कोड हैं पी कोड एंड सी ए कोड पी कोड जिसको प्रोटेक्टेड कोड कहते हैं और जो सी कोड होता है उसको कहते हैं कोर्स एक्विजिशन कोड एंड दिस इज अवेलेबल फॉर सिविलियंस इसका मतलब हुआ जो सी कोड है वो वर्क करता है एल वन पर और जो पी कोड होता है इज यूज बाय यूएस मिलिट्री पर्पज मेन पर्पज है इन कोडेड सिग्नल्स का कि दी सिग्नल्स अलाउ द कैलकुलेशन ऑफ ट्रेवल टाइम फ्रॉम द सेटेलाइट टू द जीपीएस रिसीवर ऑन द अर्थ मतलब सैटेलाइट से सिग्नल को जीपीएस रिसीवर तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं ट्रैवल टाइम या फिर इसको हम टाइम ऑफ अराइवल भी कहते हैं द ट्रैवल टाइम मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल गिव्स द सैटेलाइट रेंज यानी कि टाइम ट्रैवल को अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं सैटेलाइट रेंज निकाल सकते हैं सैटेलाइट रेंज का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट टू द जीपीएस रिसीवर यानी कि जीपीएस पी रिसीवर से सैटेलाइट कितनी दूरी पर है वो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इन टू टाइम ट्रैवल वेलोसिटी जो होती है रेडियो वेव्स की वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है तो हम क्या वेलोसिटी लेंगे यहां पर थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट देखते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है जीपीएस का जब जीपीएस रिसीवर ऑन करते हो आप तो उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सैटेलाइट्स की लोकेशंस क्या है एंड डिस्टेंस क्या है फ्रॉम सैटेलाइट्स टू जीपीएस रिसीवर पहले देखते हैं कि सैटेलाइट स्पेस में कहां पर है यह जीपीएस रिसीवर को कैसे पता चलता है जीपीएस कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर दैट इज जीपीएस सेटेलाइट जो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एंड रिसीवर जो सिग्नल को रिसीव करता है जीपीएस रिसीवर पिक्स अप टू काइंड ऑफ कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेटेलाइट फर्स्ट इज एलमेनाइक एंड सेकेंड इज आईफी जीपीएस रिसीवर टू टाइप्स की कोडेड इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है जिसको हम एल्मैक एंड आइफी कहते हैं अब एल्मैक डाटा क्या होता है एलमेनैक डाटा इज दैट डाटा विच डिस्क्राइब्स द ऑर्बिटल कोर्सिस स्टेटस ऑफ सेटेलाइट वेदर इट इज़ हेल्दी और अनहेल्दी करंट डेट एंड टाइम ऑफ सेटेलाइट्स जो सेटेलाइट्स के ऑर्बिट के बारे में सेटेलाइट का स्टेटस क्या है जैसे कि हेल्दी और अनहेल्दी सैटेलाइट डेट टाइम और लोकेशन से रिलेटेड जो डाटा हमें बताता है वो उसको कहते हैं हम एलमैक डाटा हर सैटेलाइट दूसरी सैटेलाइट के लिए एलमनैक डाटा को ट्रांसमिट करती रहती है फॉर सिंक्रोनाइजेशन दिस डाटा इज नॉट वेरी प्रिसाइज एंड रिमेन वैलिड अप टू सेवरल आर्स ये डाटा कुछ आर्स के लिए वैलिड रहता है यानी कि जो इसकी वैलिडिटी है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है और जो ये डाटा होता है ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता जीपीएस रिसीवर कैसे यूज करता है इस डेटा को कौन से सैटेलाइट से ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड जो सिग्नल है वो कैच करने है रिसीवर को ये एल्मिनेक डेटा से पता चलता है एल्मिनेक डेटा सैटेलाइट से कंटिन्यूसली ट्रांसमिट होता रहता है और जीपीएस की मेमोरी में स्टोर हो जाता है जिससे सैटेलाइट के ऑर्बिट के बारे में रिसीवर को पता चलता रहता है ये डाटा टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है जैसे कि सैटेलाइट लोकल स्काई में लोकल स्काई में जब मूव करती है तो उसकी लोकेशन का रिसीवर को पता चल जाता है नेक्स्ट इज आईफ्यू मैरिज डाटा पूरे दिन के दौरान ये बताता है कि पूरे दिन के दौरान कोई सैटेलाइट कहाँ पर होनी चाहिए एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रिसाइज पोजिशनिंग ऑफ द सेटेलाइट मोनिटर स्टेशन होते हैं जो ग्राउंड पर वो सैटेलाइट के ऑर्बिट्स को एल्टीट्यूड लोकेशन स्पीड को ट्रैक करते रहते हैं जब भी कोई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाती है तो मोनिटर स्टेशन इस इंफॉर्मेशन को मास्टर कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाते हैं और फिर जो मास्टर कंट्रोल स्टेशन है इन कर इन इस डाटा में करेक्शन करके दोबारा सैटेलाइट को भेज देता है जो ये करेक्टिक डाटा या फिर एग्जैक्ट पोजिशन डाटा होता है उसको हम कहते हैं आई डाटा ये एक प्रिसाइज डाटा होता है क्योंकि इसमें करेक्शन कर दी जाती है बट जो इसकी वैलिडिटी होती है इस डेटा की वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स हर सैटेलाइट अपना खुद का आईफी मैरिस डाटा ब्रोडकास्ट -का, ब्रोड करती है जो एलमनैक डाटा होता है वो बताता है कि वेयर द सेटेलाइट आर लोकेटेड एट एनी गिवन टाइम और जो जी जीपीएस रिसीवर में एलमनैक प्रोग्राम किया जाता है ताकि रिसीवर को पता रहे कि मूवमेंट बाय मूवमेंट सैटेलाइट कहाँ पर मूव कर रही है नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिमेरस डाटा विच इज रिक्वायर्ड टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ईच विजिबल सैटेलाइट इन द स्काई फॉर प्रिसाइज़ कैलकुलेशन ऑफ रिसीवर लोकेशन दोनों डाटा का यूज करके जो जीपीएस रिसीवर है उसको सैटेलाइट की प्रिसाइज़ली लोकेशन का पता चल जाता है नाउ जीपीएस नीड्स टू डिटरमाइन टाइम पार्ट ऑफ द फार्मूला स्यूडो रैंडम कोड सिग्नल को एम्प्लीफाई करता है जब सुडो रैंडम यानी कि पीआरसी जनरेट करती है तो जीपीएस साथ की साथ ही साथ सेम कोड को जनरेट करता है जो कि सैटेलाइट के कोड से मैच करता है फिर जीपीएस दोनों को कंपेयर करता है कि सैटेलाइट कोड से मैच होने में कितना टाइम गैप है यानी कि कितना टाइम डिले होगा ये जो टाइम डिले है इसको स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो डिस्टेंस का पता हम कर सकते हैं फिगर में तीन कंपोनेंट्स देख रहे हैं आप जीपीएस के स्पेस सेगमेंट सैटेलाइट से एलमिनक डाटा पोजिशनिंग हेल्दी और अनहेल्दी यानी कि वेलनेस ऑफ सैटेलाइट डेटा टाइम लेटिट्यूड इस टाइप का जो डेटा है वो सैटेलाइट से मॉनिटर स्टेशन रिसीव करता है फिर मास्टर कंट्रोल स्टेशन में इस डेटा से जो करेक्शन की जाती हैं वो एबनॉर्मैलिटीज होती हैं अगर कोई एबनॉर्मैलिटीज मिलती है तो उसमें करेक्शन की जाती है फिर इस करेक्टेड डेटा को जीपीएस जीपीएस रिसीव करता है जिससे एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चलती है अब हम देखते हैं कि ट्रायल क्या प्रोसेस होता है जो जीपीएस की वर्किंग है वो इस प्रोसेस पर डिपेंड करती है एंड इट इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द इंटरसेक्शंस ऑफ थ्री सरफ़ेसेस हैविंग द ऑफ़ थ्री स्फीयर्स इस प्रोसेस से हम डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं किसकी डिस्टेंस जीपीएस रिसीवर सैटेलाइट की डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है ये हमें ट्राइलिट्रेशन के मेथड से पता चलता है ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं मान लीजिए आपने दो रेफरेंस पॉइंट लिए हैं ये मान लो सैटेलाइट ए का रेफरेंस पॉइंट है और ये है पी पी टू यानी कि बी सैटेलाइट का ये पी वन मान लो आप ये पी टू मान लो तो अगर आपसे कोई पूछे ये इनकी डिस्टेंस है टेन सेंटीमीटर तो आपसे कोई पूछेगा तो आप बताओगे कि P2 P1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है लेकिन P1 से 10 सेंटीमीटर दूर बहुत सारे पॉइंट्स पर हो सकता है हर डायरेक्शन में यानि कि देखिए हमने P2 की लोकेशन बताई थी कि P2 जो है ये P2 है ये P1 मान लो तो हमने देखा हमने बताया था कि जो P2 है P1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है इस यहां पर हो सकता है यहाँ पर यहाँ पर इस पोजीशन पर इस पर इस पर तो ऐसे करके ये एक सर्कल बन जाता है ये देखिए ये सर्कल बना सर्कल बन गया तो इसी तरह हम तीसरा पॉइंट लेंगे ये पी थ्री मान लो आप ये पी थ्री हमने थर्ड पॉइंट लिया है जिससे कि हमें सही लोकेशन का पता लग सकता है जो पहले के दो पॉइंट लिए थे हमने उसमें हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर दो इंटरसेक्शन पॉइंट आए थे तो हमें ये पता चला कि इसमें से इस पॉइंट में से और इस पॉइंट में से जो रिसीवर है यानि कि किसी की आद, किसी आदमी की जो लोकेशन है इन दोनों पॉइंट में से कुछ भी हो सकती है इसको करेक्ट करने के लिए इसको एक्यूरेट बनाने के लिए हमने थर्ड पॉइंट लिया है जो हमें सही लोकेशन का पता बताएगा ऐसे ही इसी प्रिंसिपल पर जो जीपीएस है वो वर्क करता है ट्रायल के बेस पे ये देखिए हमने थर्ड पॉइंट लिया था तो इसकी दूरी हमें आपसे कोई पूछेगा तो मान लो कि यहाँ पर है फाइव सेंटीमीटर तो इसका जो सर्कल बनेगा यानी कि आप यहाँ पर भी हो सकते हो यहाँ पर हो सकते हो यहाँ पर यहाँ पर तो इसका भी एक सर्कल बन जाएगा तो जो एग्जैक्ट पोजिशन आएगी तीनों सर्कल को इंटरसेक्ट करके सॉरी तीनों सर्कल को इंटरसेक्ट करने पे ये जो एग्जैक्ट पोजीशन आ रही है ये आपकी लोकेशन बन जाती है इस फिगर में देखिए ये है सैटेलाइट ये तीन सैटेलाइट्स हैं हर एक के जो सर्कल है देखिए हर एक का सर्कल बन रहा है अलग से ये इसका सर्कल है और ये थर्ड का है और जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी वो ये मार्क कर दी जाएगी तो इस तरह से जो जीपीएस है वो वर्क करता है डेटा फ्रॉम अ सिंगल सैटेलाइट प्रोवाइड्स अ जनरल लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद इन अ लार्ज सर्कुलर एरिया ऑन द अर्थ सरफेस अगर आप किसी एक सिंगल सैटेलाइट का डाटा लेंगे यानी कि जो वो लोकेशन बताएगा उसको लेंगे तो उससे एक सर्कुलर ज़्यादा बड़ा लार्ज सर्कल बन जाएगा जिससे हमें पोजीशन का पता नहीं लगेगा एडिंग डेटा फ्रॉम अ सेकेंड सेटेलाइट अलाउज द जी पी एस टू नैरो द स्पेसिफिक लोकेशन सेकेंड सैटेलाइट की लोकेशन को आप अगर इसमें ऐड करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि जो एरिया पहले बहुत बड़ा आ रहा था सर्कल में वो सिर्फ दो पॉइंट्स तक लिमिट हो गया है यानी कि उसकी लिमिटेशंस हो गई हैं कि यहाँ पर इन दो पोजीशन में से ही कोई एक आपकी पोजीशन होगी एडिंग डेटा फ्रॉम अ थर्ड सैटेलाइट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट पोजीशन। तीसरा जो सैटेलाइट का एरिया है उसका जो डाटा है उसकी लोकेशन अगर हम उसको यूज करेंगे तब हमें एक्यूरेट पोजिशन का पता लगेगा दैट्स why GPS devices require minimum रिक्वायर मिनिमम फॉर एन एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ इसीलिए जीपीएस के लिए मिनिमम तीन सेटेलाइट से सिग्नल रिसीव करना जरूरी होता है ताकि उस टाइम पर एक्यूरेट लोकेशन का पता लगाया जा सके नेक्स्ट हम देखेंगे कि सैटेलाइट ज्योमेट्री कितने टाइप की होती है सैटेलाइट ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है कि लोकेशन एग्जैक्ट फाइंड आउट हो सके तो टू टाइप्स की ऑब्जर्व की जाती है सैटेलाइट ज्योमेट्री फर्स्ट इज आइडियल सैटेलाइट ज्योमेट्री एंड सेकेंड इज पुअर सैटेलाइट ज्योमेट्री आइडियल ज्योमेट्री कब होती है इफ़ द सेटेलाइट्स आर वेल सेपरेटेड इस फिगर में देखिए कि जो सैटेलाइट्स हैं एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं पास पास नहीं है तो इससे क्या होगा कि इट विल फॉर्म अ वेल वेल्स यानी कि जो सर्कल बनेगा इससे वो एक सही तरीके का बनेगा क्रिएट्स लेस इंटरसेक्शन पॉइंट्स जिससे जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेंगे वो कम मिलेंगे एंड रिसीवर कैन गेट एन एक्यूरेट लोकेशन कम इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे तो हमें उससे जो एक्यूरेट पोजिशन हमें मिल जाएगी इस फिगर में देखिए ये देखिए कि जो इंटरसेक्शन सर्कल है यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ओवरलैप नहीं कर रहे जिसकी वजह से हम जो एक्यूरेट लोकेशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट वी हैव पुअर सेटेलाइट ज्योमेट्री जब सेटेलाइट्स पास पास होती हैं तो स्फीयर सही से नहीं बनेगा और होगा क्या कि जो तीन या चार सेटेलाइट्स का जो ओवरलैपिंग होगी उनके सर्कल की वो ज़्यादा होगी और जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे वो भी हमें ज्यादा मिलेंगे जिसकी वजह से वो पॉइंट्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और हमें अपनी लोकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं लग सकेगा अब हम देखते हैं कि जो जी होता है उसमें भी कई फैक्टर्स होते हैं कि जी सिग्नल को इंटरफेयर करते हैं तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो जी के सिग्नल को इंटरफेयर करते हैं एटमॉस्फेरिक एरर्स सेटेलाइट क्लोक एरर्स सिग्नल मल्टीपाथ एरर्स ऑर्बिटल एरर्स, नंबर ऑफ सैटेलाइट विजिबल्स एंड सेटेलाइट ज्योमेट्री तो वन बाय वन हम इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वी हैव एटमॉस्फेरिक एरर सेटेलाइट सिग्नल्स एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो दो लेयर इम्पोर्टेंट होती हैं आइनोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर जब सिग्नल्स आइनोस्फेयर में प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल को पास करते हैं और फिर ट्रोपोस्फीयर में एंटर करते हैं जहां पर कि वाटर मोलिक्यूल्स वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं तो होता क्या है तो फिर जो ये सिग्नल्स होते हैं सेटेलाइट सिग्नल्स होते हैं इनकी स्पीड कम हो जाती है तो ये सिग्नल को डिस्टोरे डिटोरेट कर देते हैं नेक्स्ट इज सेटेलाइट क्लोक एरर्स क्लॉक्स होती हैं सैटेलाइट्स में ये हमें पहले डिस्कस किया था तो ये एक्यूरेसी के लिए सैटेलाइट्स में लगाए जाती हैं एटॉमिक क्लॉक्स इन सैटेलाइट्स आर वेरी प्रिसाइज बट आर नॉट हंड्रेड परसेंट परफेक्ट तो वन बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड ये देखिए वन बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड ऑफ इन एक्यूरेसी यानी कि इतनी एरर आ जाती है अगर एटॉमिक क्लॉक्स में तो सैटेलाइट क्लॉक रिजल्ट इन अबाउट थर्टी सेंटीमीटर ऑफ एरर इन रिजल्टिंग द डिस्टेंस टू द सैटेलाइट यानी कि वन बिलियन ऑफ सेकंड है उसका वो कितनी एरर कॉज करेगा थर्टी सेंटीमीटर की एरर कॉज करेगा यानी कि वन अप्रोक्सीमेटली वन फीट की एरर कॉज करेगा डिस्टेंस में तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिग्नल मल्टीपाथ एरर्स जब बिल्डिंग्स रॉक से सैटेलाइट सिग्नल रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो जीपीएस रिसीवर तक नहीं पहुंच पाते ये सिग्नल्स जिसकी वजह से जो सिग्नल्स हैं उनका ट्रेवल टाइम इंक्रीज हो जाता है और ये ट्रैवल टाइम इंक्रीज होने की वजह से इसमें एरर आ जाती है नेक्स्ट इज ऑर्बिटल एरर ऑर्बिटल एरर का मतलब है जब कोई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाती है तो इस चीज़ को ये जो इससे रिलेटेड डाटा होता है इसको मोनिटर स्टेशंस पर ट्रैक किया जाता है फिर ये जो मोनीटर मोनीटर स्टेशंस इस इंफॉमेशन को मास्टर कंट्रोल स्टेशन होता है उसको सेंड कर देता है फिर वहाँ पर करेक्शन की जाती है इस ऑर्बिटल डेटा में जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उस डाटा में उनको करेक्ट किया जाता है फिर वापस उस डेटा को जो करेक्टेड डेटा होता है उसको सेटेलाइट पे भेज दिया जाता है फिर जो सैटेलाइट उस डेटा को ट्रांसमिट करती हैं उसको जीपीएस रिसीवर रिसीव करता है सिग्नल के रूप में नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सैटेलाइट विजिबल मोर सैटेलाइट सीन बाय द रिसीवर बेटर इज द एक्यूरेसी। बिल्डिंग्स टेरेन से जो सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं इन चीजों से जिससे पोजिशन एरर ऑब्जर्व की जाती है तो एट लीस्ट थ्री सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेशन नेक्स्ट इज सेटेलाइट ज्योमेट्री ये हम पहले की स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं कि दो टाइप की होती है आइडियल सेटेलाइट ज्योमेट्री एंड पुअर ज्योमेट्री आइडियल सेटेलाइट ज्योमेट्री होती है जब सेटेलाइट आर लोकेटेड एट वाइट एंगल्स रिलेटिव टू ईच अदर तो उनके जो सर्कल uh, हैं वो ओवरलैप नहीं करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट भी अलग अलग बनेंगे ओवरलैप नहीं करेंगे जिससे हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं और जो पुअर सेटेलाइट ज्योमेट्री होती है इन विच सेटेलाइट्स आर लोकेटेड इन अ लाइन और इन अ टाइट ग्रुपिंग तो उसमें पास पास होती हैं सेटेलाइट्स जिसकी वजह से उनके इंटरसेक्शन पॉइंट ओवरलैप कर जाते हैं जीपीएस यूएस से यूएस ने डेवलप किया है तो जीपीएस के अलावा बाकी कई कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने रीजनल नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया है तो इनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं First is Glonass, Global Navigation Satellite System, which is developed by Russia. Next is Galileo, developed by European Union and is operated by European Space Agency. Next, Baidu and Compass both are developed by China, and Baidu is limited to Asia and West Pacific. Next is IRNSS, which is. इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप्ड बाई इंडिया एंड कवरिंग इंडिया एंड नदर्न इंडियन ओशन तो कारगिल वॉर हुआ था जब तो यूएस ने अपना जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उसको बंद कर दिया था उसको इंडिया को मना कर दिया था ताकि यूज ना कर सके तो इसकी वजह से जो इंडिया ने अपना खुद का रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया था जिसको हम नाविक कहते हैं नाविक की फुल फॉर्म है नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन यहां पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये एरिया कवर करता है नाविक जिसमें ये डिफरेंट कंट्रीज वेरियस कंट्रीज आ जाते हैं इंडिया अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान मालदीव नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका तो नेक्स्ट इज क्यू जी एस एस इट इज द जैपनीज रीजनल सिस्टम कवरिंग एशिया एंड ओशियनिया के बारे में देखते हैं दीज आर मेजर एरियाज़ वेयर जी पी एस टेक्नोलॉजी कैन बी अप्लाइड फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर एविएशन एनवामेंट मराइन सर्वेइंग एंड मैपिंग स्पेस एंड टाइमिंग ये जो डिफरेंट एरियाज़ है वेरियस एरियाज हैं इनमें हम जी पी एस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हमने जी पी एस वर्किंग के बारे में समझा है आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक यू सो मच एंड बी हैप्पी